तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम में दिखा रहा हूँ नैनीताल का वेदर, और इस टाइम में दिखा रहा हूँ अपने घर से ही नज़ारा आपको खूबसूरत। और आज मैं मार्केट को नहीं गया हूँ, तो आज मैं आपको घर से ही अपना ये व्यू दिखा रहा हूँ, खूबसूरत नज़ारा दिखा रहा हूँ नैनीताल का। आप देख सकते हैं सामने, और वेदर बड़ा प्यारा हो रहा है इस टाइम। देख सकते हैं इधर की तरफ से बादल उठ रहे हैं हल्के हल्के, और उधर की तरफ तल्लीताल की तरफ शायद कोहरा लगा हुआ, लेकिन वेदर इस टाइम बड़ा प्यारा हो रहा है। पूरा मौसम खुला हुआ है, आसमान पूरा नीला दिख रहा है, कहीं कहीं पे वाइट वाइट बादल दिख रहे हैं, तो बड़ा प्यारा दिख रहा है। और धूप भी इस टाइम अच्छी आ रही है, और यहाँ से मेरे घर से आरिफ कैसल होटल भी दिखता है, और सामने फील्ड दिख रही है, ये दिख रहा है फील्ड, और ये लेक, और लेक में जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे तो बोट चल रही है, बोट्स, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है नैनीताल का आज का। और इस टाइम घूमने लायक काफ़ी अच्छा हो गया है, और मौसम भी खुला हुआ है जैसा आप देख रहे हैं। और ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको अपने घर से ही दिखा रहा हूँ, तो मैं सोचा आज आपको अपने घर से ही नज़ारा दिखा दिया जाए खूबसूरत, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, प्यार काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम। और इधर की तरफ हम चलेंगे तो इधर तो हमारा केव गार्डन है, टिप्पन टॉप, लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, हॉर्स राइडिंग इधर से ही होती है। तो ये देख सकते हैं आप, एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, और यहाँ से ना व्यू बड़ा ऑसम मिलता है मेरे घर से। जैसा आप देख रहे हैं कि ये पूरा मेरा घर से ही दिख रहा है ये पूरा व्यू, और रात को जब लाइट जल जाती है लेक की तो बड़ा अच्छा लगता है जहाँ। और अभी 1 सितंबर से मेला भी लगने वाला है, तो काफ़ी यहाँ से अच्छा लगता है, क्योंकि इस ये कैमरे में तो छोटा लग रहा है फील्ड, लेकिन यहाँ से सही दिख रहा है फील्ड। अब मैं सोच रहा हूँ एक कैमरा ले लिया जाए, जो कैमरा होता है दूर का जो फोकस करता है, तो यहाँ से ना हमें पूरा अच्छे से दिख जाएगा फील्ड में पास बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में उसको परचेज करूँगा, फिर उससे मैं कैमरे में अपना मोबाइल कैमरा लगा के दिखाऊँगा कि कितने नज़दीक दिख रहे हैं यहाँ पे लोग। तो काफ़ी दिलचस्प नज़ारा आप देख सकते हैं ये, और एक ही जगह मैंने अपना कैमरा रोका हुआ है, इसलिए रोका हुआ है ताकि आप भी मेरे संग ये नज़ारा देख सकें। और यहाँ से दिखाने को तो बस यही है नज़ारा जो सामने आप देख रहे हैं। तो जैसा मुझे वहाँ पे दिख रहा है कि अभी शायद फुटबॉल मैच शुरू नहीं हुआ है, या होने वाला है अभी, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ दिख नहीं रही है, और फुटपाथ में भी लोगों की संख्या जो है, मतलब भीड़ भाड़ उतनी नहीं दिख रही है। अगर भीड़ होती है तो यहाँ से दिख जाती है भीड़। और मैं आपको ना फुटपाथ यहाँ पे है, ये जहाँ पर मेरी उंगली है ना, यहाँ पे फुटपाथ है। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है नैनीताल का, और इन दिनों में आप आना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं बेशक। और लेकिन 2 दिन की जो बारिश हुई थी उसमें मैं बता दूँ कि नैनीताल में तो कोई ऐसे हुआ नहीं है, रोडें भी खुली हुई हैं हमारी, और आराम से आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर बारिश हो जाती है तो बारिश के टाइम पे आप अपने होटलों में ही कैद हो जाते हैं, तो जो घूम नहीं पाते आप इधर उधर। लेकिन फ़िलहाल आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन आज बारिश के ना होने पर आज नैनीताल का खूबसूरत नज़ारा कुछ ऐसा आप देख सकते हैं सामने ये। तो ये है मेरी आज की अपडेट कि नैनीताल का वेदर कैसा है, नैनीताल का मौसम कैसा है। और नैनीताल में अब उतने पर्यटक नहीं है जितने होने चाहिए, क्योंकि नैनीताल में सीज़न उतना नहीं है, अब ऑफ सीज़न ही लगा लीजिए, अब धीरे धीरे ऑफ सीज़न ही आ रहा है। और थोड़ा बहुत हमारा जो सीज़न चलेगा अक्टूबर में चलता है सीज़न नैनीताल में, और 1 सितंबर से 7 तारीख तक नैनीताल में तो खैर रौनक रहेगी लोकल के लोगों से भी, क्योंकि रौनक इसलिए रहेगी क्योंकि उस टाइम लगेगा मेला, और मेले में दूर दराज से भी और गाँवों से भी लोग आते हैं, तो उस टाइम काफ़ी हलचल रहती है फील्ड में, और झूले भी आते हैं, मेल दुकानें लगती हैं, तो काफ़ी ख़रीदारी करते हैं लोग। तो उसका रोज़ मेरा डेली व्लॉग आएगा मेले का, कि नैनीताल में जो मेला लगता है वो कैसे लगता है, कितनी दुकानें लगती हैं, क्या क्या उसमें दुकानों में सामान आता है, झूले कैसे लगते हैं, और कैसे हमारे DSA फील्ड में रौनक होती है फील्ड में। तो ये सब मैं दिखाऊँगा आपको, बस अब कुछ ही दिन रह गए मेले के, उसके बाद से हमारा चलेगा मेले का व्लॉग। तो ये था मेरा आज का खूबसूरत नज़ारा अपने घर से, नैनीताल का वेदर, नैनीताल का मौसम।